मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। और फिर पहला पट्टे से मारे, फिर चौकी में कॉन्स्टेबल के सामने मारे, ऐसा बार बार बोल रहे थे, खून करके जाएंगे। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? केस करो मत, हमसे कुछ पैसे ले लो। मम्मा डॉन है या अब्दुल्ला बन के आए? तो उसने हम लोग को साथ में देख लिया था चलते हुए, तो गुस्से में उसने मारना शुरू किया। मेरे भाई को जो दादा हत्या से मारे ले लोग ने, अभी उसको कम से कम 9 से 10 टाके लगे। नहीं, मैं साथ रहूंगी, मुझे शादी करनी। मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बहन को प्रेमी के साथ में घूमता हुआ देख भाई ने प्रेमी का सर मारकर फोड़ दिया। दरअसल मामला मुमरा के रशीद कंपाउंड का है। नाजिश प्लाजा इमारत में रहने वाले शगुल हामिद शेख 29 वर्षीय की वही के पास के ही इमारत में रहने वाली फहमिदा अब्दुल मुतालिब 23 वर्षीय से प्यार, करीब 10 से 12 साल पहले से इनका प्रेम संबंध चल रहा था और बताया जा रहा है कि दोनों की शादी की भी बात परिवार के बीच में चल रही थी कि पढ़ाई खत्म होने के बाद लड़की की शादी कर दी जाएगी, मगर फहमिदा के भाई काशिफ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कल शुक्रवार के दिन काशिफ फहमिदा को शगुल के साथ घूमते हुए देख लिया और काशिफ ने फहमिदा के प्रेमी शगुल के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दी। घटना की जानकारी देते हुए शगुल के भाई मोइन शेख बहन नसीम पटेल ने बताया कि कौसा चौकी बीट पर यह मारपीट हुई है। इसी दौरान काशिफ के दोस्त मम्मा उर्फ इमरान और कट्टी, ऐसे 5 से 6 की संख्या में काशिफ के दोस्त भी पहुंच गए और शगुल के साथ मारपीट की। आरोप लग रहा है कि इन लोगों के हाथ में लोहे के रॉड और हथियार वगैरह थे और मारपीट में शगुल के सर पर मार दिया गया, जिसकी वजह से उसका सर फट गया। करीब 9 से 10 टाके इसके सर में लगे हैं। कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में इनका उपचार चल रहा है। वहीं शगुल की प्रेमी फहमिदा ने बताया कि अपने प्रेमी के साथ ही वो रहना पसंद करेगी, उसके साथ ही शादी करेगी। लड़की ने यह भी बताया कि घर में सभी राजी थे, मगर सिर्फ उसका भाई काशिफ नहीं राजी है, इस वजह से ये घटना सामने आई है। इस पूरी घटना पर शगुल के भाई मोइन शेख बहन नसीम पटेल और शगुल की प्रेमिका फहमिदा ने क्या बताया है वो भी हम आपको सुना रहे हैं और प्रेमी प्रेमिका दोनों का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है, मगर हमारे इस खबर को कवर करने तक इस पूरी घटना के संबंध में मुमरा पुलिस स्टेशन में कोई भी शिकायत तब तक दर्ज नहीं हुई थी। बहरहाल इस घटना के संबंध में क्या जानकारी दी है सुनिए। क्या हुआ था आप लोगों के, आपके भाई को जो मार लगी है, दरअसल किन लोगों ने मारा और क्यों मारा, क्या वजह थी? वजह ये थी कि वो आसिफ नाम का लड़का था, मतलब वो मेरे भाई जो लड़की से मतलब लव करता था, तो उसको भाई ने है ना तो एक मम्मा गुंडे को बोला। वो गुंडा रशी कंपाउंड में रहता है। मम्मा नाम के गुंडे ने अपने दोस्तों को और छोकरे लोग को, गुंडे लोग को बुलाया और उसको पुलिस चौकी में कांस्टेबल के सामने लोग ने मारे उसको। कौन से चौकी? पहला पट्टे से मारे, अपना कोसा चौकी। अच्छा। कोसा चौकी के सामने मारे उसको और फिर पहला पट्टे से मारे, फिर चौकी में कांस्टेबल के सामने मारे और उसके पास धारदार हथियार भी थे कुछ, उन लोगों मम्मा इन लोग के पास, उसके सर पे मारे। मतलब जितना मतलब आसिफ जितना नहीं था ना, जितना ये मम्मा ने उतना वो किया। अच्छा, आसिफ कौन है? आसिफ मेरे भाई का साला है, ऐसा बनने वाला साला, बनने वाला साला। 24 साल की है वो, 4 साल से रिश्ते में है। आपका आपके भाई का जिनको मार लगी है उनका क्या नाम है? शागुल हमीद। शागुल, अच्छा। तो उनके बहन से जो है इनका कुछ अफेयर वगैरह था? हाँ, उनकी बहन से इनका अफेयर था 10 साल से, 10-12 साल से।
अच्छा, तो क्या उन लोगों का कहना क्या है? दरअसल उन लोगों का कहना कुछ नहीं था कि खाली उसके अब्बा को भी सबको मालूम है, लड़की को मालूम, लड़की भी यहाँ मौजूद है, ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट होगी, क्या अभी ग्रेजुएशन हो रही क्या हो रही वो नहीं मालूम मेरे को, हाँ तो पढ़ाई कंप्लीट होगी तो करा देंगे। अब आसिफ को मालूम है क्या नहीं है इसका नहीं मालूम था। आसिफ चलो भाई आता है, ठीक है, हम मानते हैं बहन को हुआ भाई आता है, लेकिन ये बोलते हैं ना वो काजी वाला शो, मतलब कैसा मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये बोलते ना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वैसा सीन है, ये अब्दुल्ला बन के आए थे लोग, हाँ ये कौन सा, ये जो मम्मा डॉन है, मम्मा डॉन है, ये अब्दुल्ला बन के आए लोग, ठीक है, ये अपनी भाईगिरी साबित करने के लिए, मेरे भाई को जो दादा हत्या से मारे ले लोग ने, तो ये अपनी भाईगिरी साबित करने के लिए गुंडे बन के आके मारे। तो अभी कंप्लेंट वगैरह आपने किए कुछ? हाँ कंप्लेंट किए हम लोग, जब चौकी के सामने अभी कंप्लेंट किए, अभी भाई मेरा अपना, अच्छा मतलब, बता आप बता रहे चौकी के सामने मारे, तो पुलिस ने समय रोका नहीं? नहीं मतलब पुलिस वाला एक ही था, मैं मैं तो यहाँ मौजूद नहीं था, मेरा भांजा था इसको भी मारे, ये मेरी बहन है, ये जॉब पे था, हाँ ये मेरी बहन है, मेरी बहन को भी अपना आंख पे आए, और मैं जॉब पे था, मैं कुर्ला जरीमरी में जॉब पे था, मैं जूता भी नहीं पहना अपना ना बैग लिया, मैं डायरेक्ट भाग के आया, मेरे को पोसते पोसते सवा घंटा लगा, सवा घंटे में यहाँ तक फिर मेरे भाई का खून नहीं रुका, मैं आने के बाद मेरे भाई का सर पकड़ा, टाका लगा अभी, अभी उसको कम से कम 9 से 10 टाके लगे, 10 टाके लगे, कम से कम पूरा रात बेहोश था, अभी जाके होश में आया है, अभी पुलिस वाले स्टेटमेंट लेंगे। अच्छा यानी अभी कंप्लेन हुआ, दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ, दर्ज नहीं हुआ अभी। अच्छा, जो लोगों ने मारपीट की है उन लोगों में, उन लोगों का नाम क्या क्या है जिसने मारपीट की है? तो स्टार्ट तो आसिफ से हुआ था, जो मेरे भाई का साला होने वाला है उसका नाम आसिफ है, तो मैं उसको इतना मेन नहीं मानूंगा जितना मम्मा को मेन मानूंगा, इमरान नाम है उसका, मम्मा उफ डॉन बोलते हैं उसको वहाँ पर, मम्मा भाई वो मतलब भाई है वो, और एक कुट्टी नाम का छोकरा, और कम से कम प्लस में देखे जाए तो 5-6 और थे, उसके नाम नहीं मालूम जिसको भी, क्योंकि हम लोग काम धंधे वाले काम पे जाते आते, अब किसी को मालूम नहीं कि कंपाउंड में कौन कितने गुंडे क्या घूमते, एक गुंडे को ही मालूम रहेगा गुंडा कौन है, ठीक है, तो उन लोग को ही मालूम रहेगा, अब उन लोग से पूछा जाएगा ना तो उन लोग बताएंगे कि कौन कौन था कौन कौन नहीं था। आप कौन है शाह? अच्छा क्या कहेंगे आप इस घटने? ये कहूँगी जब अगर लड़का लड़की राजी है, उसके घर वाले राजी थे, और उसके भाई को अगर राजी नहीं था, उसके भाई को पता था पर वो राजी नहीं था, तो रोड पे तमाशा नहीं होता है, रोड पे किसी के ऊपर हथियार उठा के मारते नहीं है, बातों से हल होती है हर चीज, ये मारम तोड़ी करना, और वो क्या बोलते हैं उन लोग सबके सब बोल रहे थे एक खून करके जाएंगे, आज ऐसा बार बार बोल रहे थे एक खून करके जाएंगे, मम्मा, मम्मा। ना औरत देख रहे, ना बच्चा देख रहे, ना बड़ा देख रहे, सर पे मार दे रहे, पीठ पे मार दे रहे, पट्टों से मार रहे, ये कोई मतलब नहीं होता, या तुम्हारे बाप दादा के पास इतने पैसे होंगे, अभी धमकी दे रहे हैं उन लोग, किसको धमकी केस करो मत, और क्या केस करो मत, हमसे कुछ पैसे ले लो, हम शादी करा के देते, केस बिल्कुल भी दर्ज मत करो, यानी तो, अभी शादी कराने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, अभी करने है, वो दूसरे लोग बोल रहे हैं, हम आते हैं हम करा के देते। अच्छा दूसरे से कहलवाया जा रहा है? हाँ दूसरे से कहलवाया जा रहा है कि हम शादी करा के देते, शादी तो होने ही वाली थी, लेकिन ये अभी शादी के लिए क्या इनके जो लड़की है उसके माँ बाप से आप लोगों से कभी बीच में बातचीत वगैरह हुई थी? भाई से बात हुई थी, भाई से इसकी मम्मी की बात हुई थी, भाई सब गए सब रिश्ता लेके, हाँ तो बोले थे पहले बोले आगे बात करेंगे, फिर आगे बात हुई ना तो भाई को बोले बेटे इसकी पढ़ाई कंप्लीट होने दे, हम शादी करेंगे, इनको भी बोले फैमिलदार को जो लड़की है उसके भी उसको भी बोले के पहले तेरी पढ़ाई जैसी कंप्लीट हो जाएगी 1 साल है अभी वकालत करने के लिए, जैसी लॉ बन जाएगी उसके साथ शादी तेरी कर देंगे, तो शादी की बातें होने से पहले ही मतलब पढ़ाई कंप्लीट होने आई है इसकी, तो भाई ने ऐसे नाटक कर दिया। कितने लोगों ने मारा था मिलके जो मारपीट? कम से कम 6 से 7 लोग थे। अच्छा, नाम थे। कुछ याद है आप लोगों का? वही एक तो मैं तो औरत जात हूँ, मुझे इतना लड़कों के बारे में मालूम नहीं है, अब जो इन लोगों ने बोले शकल जी जिसकी हमने पहचाने वो इमरान इम्मो डॉन, क्या अम्मो डॉन के इम्मो बोलते हैं उसको इम्मो डॉन, तो ये दुबई जाएंगा लगता, इमरान डॉन, इमरान डॉन, इमरान मम्मा, हाँ इमरान मम्मा डॉन, ये एक कुट्टी, एक राजू, और क्या नाम था, हाँ और क्या नाम था, और भी 3-4 जन थे, उनके नाम नहीं मालूम है, अभी जैसी अब ये कंप्लेंट होएंगी ना
तो इन लोगों को पकड़ेंगे ना तभी सब आएंगे अंदर, वरना अचानक इतने लड़के कहाँ से आ गए। इतना गई थी मैं अपनी 4 साल की बच्ची है मेरी, उसको भी मारे क्या? हाँ, इसको पट्टे से मारे, उसको भी पट्टा लगा और वो गिर गई वहाँ पे जाके। ये कोई तुम्हारी इंसानियत हुई? क्या नाम है आपका? फहमीदा। ये जिस लड़के के साथ मारपीट हुई है, इसके साथ आपका कुछ अफेयर है? हाँ है, 12 साल से। तो आप शादी होने वाली थी इनके साथ में, आपकी बातचीत हो रहा था सर? मेरे घर वाले मान गए थे। अच्छा, तो फिर अभी मान गए थे तो अभी फिर मारपीट क्यों हुई है ऐसा? ये आपके जो भाई हैं आसिफ, उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने मारपीट की शुरुआत की है सर? हाँ, वो खिलाफ था, उसको पसंद नहीं था ये रिश्ता, तो उसने हम लोग को साथ में देख लिया था चलते हुए, तो गुस्से में उसने मारना शुरू किया। फिर बाद में फिर उसके दोस्त लोग पीछे से आ गए और वो लोग सबसे ज्यादा और मारने लगे। यानी सिर्फ आपके भाई को नहीं पसंद, और आपका पूरा घर जो है राजी है? हाँ, राजी थे, बोले थे मेरी पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई खत्म होने के बाद करा देंगे। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कि आप इनके साथ रहेंगे या अपने माँ बाप के कहने पे जाएंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, मैं साथ रहूंगी, मुझे शादी करनी है। इसी लड़के के साथ शादी करना है? हाँ, उसी से शादी करना है।